तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं भोपाल से और अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। तो सबसे पहले भोपाल चल लेते हैं। कुलभूषण, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है आज की जो बड़ी खबरों पर अगर नजर डालें तो क्या कुछ है अपडेट, पहले वो जरा बता दें। देखिए सोनाली, अगर हम राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो आज लगातार प्रदेश बीजेपी कार्यालय में दूसरा दिन है, बैठक का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कल कार्य समिति सहित कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सहित प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश, हितानंद शर्मा, ये तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं कल कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए। कोर ग्रुप की बैठक में जो निर्णय लिए गए, जो चर्चा हुई है, उसमें सबसे पहले तो क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव है तो 23 को लेकर रणनीति बनाई गई है कि कैसे सरकार और सत्ता का तालमेल बना रहे। इसके साथ ही यहां पर अगर बात की जाए तो निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर जो विचार विमर्श चल रहा है तो जल्द से जल्द जो है निगम मंडलों की नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही जिन जिलों में अभी नगरीय निकाय चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है उन जिलों के प्रभारी और जिला अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है, संगठन में कई बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। लगातार ब्यूरोक्रेसी जो है हावी होती नजर आ रही है और समय समय पर मंत्री और विधायक इसको लेकर जो है संगठन और सरकार के सामने आवाज भी उठाते हुए नजर आते हैं और कैसे ब्यूरोक्रेसी हावी ना हो, जो नेता है, जो विधायक है, मंत्री है, अपने क्षेत्र, अपने प्रभार वाले जिले में कामकाज कर सके, इसको लेकर जो है बैठक में चर्चा की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मंत्रियों की परफॉर्मेंस काफी खराब रही है अपने प्रभार वाले जिले में, तो अब मंत्रियों का एक समूह बनाया जाएगा, मंत्रियों का गठन किया जाएगा, अलग अलग समितियों में दो से तीन मंत्रियों को रखा जाएगा और इस समूह के अंतर्गत मंत्रियों को तकरीबन तीन जिले दिए जाएंगे। तीन जिलों की जिम्मेदारी जो है अब मंत्रियों के अंडर में रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले मंत्रियों की कैसी परफॉर्मेंस अपने जो प्रभार वाले जिले हैं उनकी रहती है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर जो है संगठन ने, सरकार ने मंत्रियों को दिया है। इसके साथ ही अगर हम आज की बैठकों की बात करें तो आज भी प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आईटी सेल सहित मीडिया विभाग की एक बड़ी बैठक रखी गई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा और मुरलीधर राव मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही हम शिक्षक दिवस की बात करें तो आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में जो है शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्कूलों में जो बच्चे हैं वो अपने शिक्षकों का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम शिक्षकों के सम्मान में रखा गया है। लेकिन राजधानी भोपाल में आज संविदा शिक्षक कर्मचारी बड़ी संख्या में जुटेंगे और अपनी वेतन वृद्धि सहित नियमितीकरण की मांग को लेकर जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री बालाघाट के दौरे पर रहेंगे। नक्सली प्रभावित यह जिला है तो वहां पर तमाम अधिकारियों से चर्चा करेंगे। नक्सलवादियों की जो गतिविधियां रहती है उस पर कैसे सेना के जवानों ने और पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल पाया, इसको लेकर जो है वन टू वन चर्चा की जाएगी। क्योंकि इसके पहले की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दे दिए थे कि नक्सलवाद, आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े जो लोग होते हैं उनको नेस्तनाबूद किया जाए, तो इसको लेकर आज समीक्षा बैठक की जाएगी। और इसके साथ ही जो जवान है, जो सैनिक है, उनका भी सम्मान मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज से जो युवा मोर्चा का कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज जो टारगेट एक रखा गया था 75 लाख से अधिक जो है मध्यप्रदेश में पौधे रोपे जाएंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम पार्टी और संगठन के पदाधिकारी आज 10:30 बजे पौधारोपण करेंगे।